ऋषभ पंत को हालिया टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। आईसीसी पुरुष बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थानों की छलांग लगाकर वो टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और अब वो रोहित शर्मा के साथ 7वें नंबर पर हैं। ऋषभ पंत पहली बार टॉप 10 में आए हैं और ये उनके सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उन्होंने अहमदाबाद में आखिरी टेस्ट मैच में शतक लगाया था, इसके चलते भारत ने आखिरी टेस्ट पारी और 25 रन से जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी और पहुंच गई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो जून में खेला जाएगा। रोहित शर्मा को भी शानदार बैटिंग का फायदा हुआ है, वो 8वें से 7वें नंबर पर आ गए हैं। पंत और रोहित के 747 अंक हैं, ये किसी भी भारतीय विकेटकीपर की ओर से हासिल किए गए सबसे ज्यादा अंक हैं। रोहित और पंत के अलावा बल्लेबाजों में वॉशिंगटन सुंदर को भी फायदा मिला है, उन्होंने 4थे टेस्ट मैच में जो अहमदाबाद में खेला गया था नाबाद 96 रन बनाए, इसके चलते वो 62वें से सीधे 39वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन भारत के कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को नुकसान हुआ है। कोहली हालांकि ये पहले की तरह 5वें नंबर पर ही हैं, लेकिन उनके अंकों में कमी जरूर आई है, वो अब 814 अंक के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नवंबर 2017 के बाद ये उनके सबसे कम अंक हैं, वहीं पुजारा के 700 से कम अंक हो गए हैं, इसके चलते वो टॉप 10 से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पंत को एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला, वो प्लेइंग 11 में चुने गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिडनी में उन्होंने 97 रनों की पारी खेल भारत को मैच ड्रॉ कराने में अहम रोल निभाया। अगर वो कुछ और देर मैदान पर टिक जाते तो शायद सिडनी टेस्ट मैच भी भारत की झोली में आ जाता। इसकी कमी को हालांकि उन्होंने ब्रिस्बेन में पूरा किया। पंत मैच की चौथी पारी में 89 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम को जीत के साथ साथ सीरीज भी जिताई। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अहमदाबाद में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा। ऋषभ पंत को पहले भी कई बार भारतीय क्रिकेट का भविष्य बता चुके सौरभ गांगुली युवा बल्लेबाज से बेहद प्रभावित नजर आए, लेकिन अहमदाबाद टेस्ट मैच में खेली गई उनकी पारी ने गांगुली को उनका और भी मुरीद बना दिया और उन्होंने पंत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले सालों में वो सभी प्रारूपों के सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।